नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा अवस्थी और हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे GH5 की, तो आइए हम इसकी अनबॉक्सिंग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है और क्या होना चाहिए, और इस कैमरे का स्पेसिफिकेशन भी देखेंगे कि इसमें कौन सी अच्छी बातें हैं और जो हमारे काम की हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि हमारे पास जो कैमरा है उसे अपन खोलें और देखें कि इसमें क्या चीज़ है, हमारे पास क्या इस बॉक्स में हमारे पास उपलब्ध है। पैनासोनिक ने इस कैमरे से कौन कौन सी चीज़ें दी हैं। सबसे पहले यहाँ से मैं सील ब्रोकन करने के बाद ये बॉक्स ओपन करता हूँ, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि ये मैं इसे ओपन करता हूँ, ये क्या है। तो ये है दोस्तों एक चार्जर है, और फिर मैं ओपन करता हूँ, ये है यूज़र मैनुअल। मैनुअल आजकल लोग दोस्तों कम ही पढ़ते हैं, सब यूट्यूब से देखने लगे हैं, और ठीक है, अच्छी बात है, टाइम की बचत, और बट मैनुअल पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर है मेरे पास, इसमें क्या है, अच्छा ये एक पावर केबल, साथ में कुछ और पावर केबल हैं, यूएसबी केबल्स हैं, और ये कोई क्लैंप है, ये बाद में देखते हैं क्या है। और ये है फाइनली हमारा कैमरा, हाँ ये है अपना कैमरा लुमिक्स GH5। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। ये है HDMI केबल पोर्ट, और साथ में ये है हेडफोन जैक, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें हेडफोन जैक के साथ साथ माइक भी दिया हुआ है, माइक के साथ साथ हेडफोन जैक भी दिया हुआ है, जो कि प्रोफेशनल कैमरों में ही आता है। जनरली क्या होता है कि माइक अगर दिया होता है तो हेडफोन जैक नहीं दिया था, अगर जिससे कि जब अपन ऑडियो पे काम करते हैं तो काफ़ी परेशानी जाती है। और ये है रिकॉर्ड बटन, और कैमरे की जो बॉडी है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब इसका जो ग्रिप है बहुत प्यारा है, DSLR जैसा इसका ग्रिप है। और यहाँ से इसके कुछ बटन हैं, बाकी जो बटन से तो जब हम यूज़ करेंगे उसके बाद ही हमको क्लियर होगा कि किस तरीके से अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और इसके साथ क्या है। इसके साथ आया है हमारे पास MM का एक लेंस, चूँकि ये Micro Four Thirds सेंसर इसमें लगा हुआ है, और इसमें जो ये क्रॉप सेंसर का कैमरा है, तो ये जो 1200 mm है इसका जो इफ़ेक्ट हमको मिलेगा, ये मिलेगा तकरीबन 24-120 के बराबर, तो यूज़ करने के बाद हमें समझ में आएगा। तो दोस्तों ये है फाइनली हमारे पास हमारा कैमरा, आइए अपन देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या नहीं है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि इस कैमरे के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये एक 20 मेगापिक्सल का माइक्रो फोर थर्ड सेंसर वाला कैमरा है, और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो आपका सेंसर है ये ऐसा मूव करता है। आप गौर से अगर देखें तो हो सकता है आपको यह अच्छे से ना दिख रहा हो, बट इसे मैं ऐसा थोड़ा सा शेक करूं तो ये जो सेंसर है इसमें 5-axis स्टेबलाइजेशन लगा हुआ है, और इस कारण क्या होता है कि ये कैमरा बहुत कम शेकी है। सबसे अच्छी बात इस कैमरे की ये है कि इसमें 5-axis इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम लगा हुआ है, जो कि डुअल IS को सपोर्ट करता है। ये जो कैमरा ये 4K शूट करता है, और 4K शूट करने के साथ साथ सबसे अच्छी बात यह कि 4K में भी ये 60 फ्रेम पर सेकंड पे शूट कर सकता है। 180p पे ये सुपर स्लो मोशन शूट करता है, 180p पे जब ये कैमरा सुपर स्लो मोशन में शूट करता है तो काफ़ी इफेक्टिव इसका शूट जो है वो दिखाई देता है। साथ ही अगर अपन फोटो शूट की बात करें तो ये 9fps पे शूट कर सकता है, और इसमें एडवांस DFT ऑटो फोकस दिया हुआ है, डुअल USH कार्ड स्लॉट दिया हुआ है, इसमें 2 कार्ड स्लॉट हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। डुअल कार्ड स्लॉट होने का बेनिफिट ये है कि हम स्टोरेज के लिए हमें बहुत इजी हो जाता है, ये काफ़ी अच्छा इफेक्टिव चीज़ है। और उसके अलावा दोस्तों इसमें ऑटो फोकस पॉइंट है, इसकी जो ऑटो फोकस पॉइंट बहुत अच्छे हैं, और साथ ही साथ इसमें वाईफाई है, NFC है, ब्लूटूथ भी दिया हुआ है, ब्लूटूथ और वाईफाई NFC, अगर आप इसे अपने जो वीडियोज़ हैं वो डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं।
इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप फोटो शूट करने के बाद यदि आपने फोकस किसी अलग जगह पे सेट करना है, यदि फोकस आप आफ्टर शूट फोकस इसमें सेट कर सकते हैं, ये इसकी सबसे अच्छी और सबसे खास बात है जो कि शायद अब तक के किसी कैमरे में मैंने नहीं देखा है, बट हो सकता है अगर किसी दूसरे कैमरे में हो तो। बट इस कैमरे के साथ ये मुझे बहुत प्लस लगा। इन केस आप कहीं पे चले जाते हैं और फोटोशूट करते हैं, फोटोशूट करने के बाद आप फोकस करना पॉसिबल नहीं होता, बट इसमें ये जो फोकसिंग सिस्टम दिया हुआ है ये इसका काफ़ी अच्छा है। रैक फोकस जिसे हम बोलते हैं, प्री कॉन्फिगरेबल रैक फोकस मोड इसमें दिया हुआ है, यानी कि आप शूट कर लें, अगर शूट में फोकस नहीं है फोटो पे और आप इसे सिस्टम पे लेके आए और इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू जिस भी जगह आपको फोकस करना है वहाँ पे आप इसमें फोकस कर सकते हैं। कैमरे की अगर बात करें तो कैमरे का जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छा है और इसमें इसके जो लेंस आते हैं काफ़ी हल्के लेंस आते हैं, मतलब लाइट वेटेड लेंस होते हैं, लाइका का लेंस इसमें यूज़ होता है। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो स्क्रीन है ये टिल्टेबल है, इसलिए हमें शॉट्स लेने में काफ़ी इजी हो जाता है। और दोस्तों, इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि क्या होना चाहिए कैमरे में, कैसा होना चाहिए, और मुझे फ़िलहाल ये कैमरा काफ़ी इफ़ेक्टिव लगा, इसलिए मैं अभी इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज आपने देखा इस कैमरे की अनबॉक्सिंग और मुझे लगता है ये कैमरा हमें आगे चल के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको इसके रिजल्ट्स शेयर नहीं कर सकता क्योंकि हमने आज ही से मतलब अनबॉक्सिंग किया हुआ है, हम आज के बाद से इसका यूज़ करेंगे और आगे चल के मैं इसके लिए हुए जो भी शॉर्ट्स हैं, जो भी इससे हम जो भी एल्बम बनाते हैं, जो भी वीडियो बनाते हैं, मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। और आज का हमारा ये एपिसोड देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको एपिसोड पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे और साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि आगे चल के हमारे जो भी नए वीडियोज़ हैं वो आपको डायरेक्टली इन्फॉर्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड पर। हमारा नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी मैं बना के इसमें देता हूँ। आप सभी का इतना प्यार हमको मिल रहा है कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें इस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं आपके सारी आपने जो भी डिमांड की है मैं उसे पूरा कर सकूं। कुछ टाइम की कमी के कारण, कुछ बिजी शेड्यूल होने के कारण हम भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं और फिर भी दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। मुझे बहुत खुशी होती है आपके लिए वीडियो बनाने में। तो आज का ये एपिसोड साइनिंग ऑफ।